जैसे आजकल उन्होंने एक जर्नलिस्ट आए हुए थे, उन्होंने बताया, स्टूडेंट्स को गाइड किया कि अभी आपकी उम्र थोड़ा नॉलेज गेन करने की है, एंड व्हेन यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन उसके बाद फिर आप न्यूज़ पेपर और मैगजीन्स वगैरह या टीवी पर ये देखिएगा कि किस तरह से वो इन इश्यूज़ को डील करते हैं। तो अभी आप उनको डील ना करके अपनी नॉलेज को गेन करिए। ये मुझे काफ़ी कन्विंसिंग लगा उनका, क्योंकि अगर बच्चा अभी इसी स्टेज पर उसको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएगा या उसके सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा तो वो अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं वो अभी नॉलेज गेन करें, किस तरह की इंफॉर्मेशन उनको फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगी और किस तरह से वो पब्लिक से डील करें अलग अलग एरियाज़ में। इस तरीके के इवेंट होने से खासकर डायरेक्ट बच्चों को लाभ मिलता है? बिल्कुल, इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उनका एक्सपोजर भी होता है। और आपके बहुत बच्चे जो जर्नलिज्म से निकल के कहीं अच्छे अच्छे फील्ड में एज ए एलुमिनाई मिलते हैं आपको, तो उस समय कैसा लगता है? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है वो बच्चे जब मिलते हैं, और काफ़ी बच्चे जर्नलिस्ट हैं जो कि हमें देखकर बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी एलुमिनाई इस तरह से जर्नलिस्ट बनी हुई है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स में। तो वी रियली फील प्राउड ऑफ देम। ये हमारे जो स्टूडेंट हैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत कम कॉलेजेस में कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ये ऑल इंडिया मीडिया कॉन्क्लेव जैसे यूथ पार्लियामेंट होती है, हर बच्चा जो है वो एक फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चे हैं यहाँ पे, कोई राजीव सरदेसाई, कोई बरखा दत्त, मतलब अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के जो हेड कर रहे हैं, रिपोर्टर हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो करने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हर कोई न्यूज़ चैनल की जो आइडियोलॉजी है थोड़ा सा हम लोग को पता चले कि क्या बच्चे भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो एक्चुअल में मीडिया में हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे क्योंकि नए हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रल हैं और अच्छा भी लगता है सुन के उनको। तो अभी जब वो जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, जब पता चलेगा हमको कि हमारे बच्चे क्या वही हैं जो अभी बोल रहे हैं, या फिर वो वाकई में जाके वो आज तक या NDTV या इंडिया न्यूज़ या राष्ट्रीय सहारा, वहाँ पे पता चलेगा कि वो न्यूज़ चैनल को बोल रहे हैं या वो अपनी आवाज़ दे रहे हैं वहाँ पे। तो मेन मकसद ये है, हमें पता चले बच्चे अभी हमारे कहाँ पे हैं। ये वाला हमने सेकेंड टाइम कराया, पिछली बार कराया था तो काफ़ी बिग हिट रहा था, तो उसको देखते हुए हमने हर साल हम लोग कराते हैं इसको, एनुअल फंक्शन है इनका। तो काफ़ी इसको प्रेज किया गया मीडिया में भी और काफ़ी इसकी पब्लिसिटी भी हुई थी, और मतलब हम लोग को भी बड़ा अच्छा लगा ये करा के। बिल्कुल, उनका क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका है वो स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग है। ये जो पेपर है पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर भी है। जब वो अपने फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा कि किस चैनल के साथ में काम करूँगा तो वो मेरी आइडियोलॉजी से मैच करेगा या नहीं करेगा। यहाँ तो सब बच्चों की एक जैसी आइडियोलॉजी है, देखते हैं अच्छा वो फिगर दिख रहा है तो बड़े अट्रैक्ट होते हैं, RJ आ गया तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो न्यूज़ चैनल में जाएंगे, जब जहाँ वो प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे, तो वो हम लोगों के लिए भी थोड़ा अलग होता है कि हमने जिन बच्चों को पढ़ाया है, यहाँ पे जो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हम राइट में नहीं जाएंगे, मीडियम पाथ लेंगे, लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि पूरा राइट में है या पूरा लेफ्ट में है। और कई बच्चे ऐसे हैं हम लोगों के निकले बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमें पता चल जाता है कि वो बच्चे किस चैनल से हैं, मतलब वो चैनल का नाम हमें ना बताएं पर उनकी आइडियोलॉजी से। मैम, ये तो ये जो बच्चे हैं, मीडिया उसके लिए होता है कि हम लोगों की हित की बात करें, तो फिर यहाँ लेफ्ट राइट ऐसा कुछ चलता है? नहीं, कॉलेज में नहीं चलता है। मैं वही कह रही हूँ, जब उन बच्चों को हम देखते हैं कि वो चैनल पे बच्चा आया है, हमने चैनल का ऊपर नीचे नाम नहीं देखा लेकिन हम लोग को पता चल जाता है किस चैनल से है। कॉलेज के अंदर वो नहीं है, क्योंकि लाइफ तो उनके कॉलेज के बाहर है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ तो वो कॉलेज के गेट के बाहर निकलेंगे, वहाँ पता चलेगा कि वो कहाँ पे माइक लेके खड़े हैं, कहाँ पे वो लेके खड़े हैं, और दिमाग वो साथ में रखे हुए हैं, वो साइड में है। क्योंकि आजकल मीडिया जिस तरह से दिखा रही है, तो मतलब इस तरह से रंग दिया हुआ है देश परिवेश का कि वो पता नहीं चल पाता है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या सब कुछ बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा मतलब दुखद भी लगता है कई बार कि हम लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा है, अच्छा है, तो हम कैमरे को अगर आसमान में रखते हैं तो सब अच्छा लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपना कैमरा ज़रा नीचे रखें, ज़मीनी सच्चाई की तरफ रखें, और जो परेशानी जिस तरह की है वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करें। तो मैम, ये जर्नलिज्म कोर्स में क्या कोई प्रैक्टिकल पेपर भी होते हैं जिसमें बच्चे बाहर जाके कुछ वहाँ पे जाके सीखें, कुछ एक्सप्लोर करें? हाँ, करते हैं, इंटर्नशिप के लिए उनको जाते हैं बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, जब भी इनकी छुट्टियाँ होती हैं या वेकेशंस होते हैं तो हम उनको भेजते हैं, और प्रैक्टिकल का पार्ट भी है उनका। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं अपने, स्क्रीनिंग के लिए ले जाते हैं, रेडियो में जो इनकी रिकॉर्ड जाते हैं रेगुलर उसमें जाते हैं,
मतलब प्रैक्टिकल होते हैं इसके अंदर। बस ये है कि मतलब जर्नलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस कैसे फेस करने हैं वो यहीं से उनको सीखना पड़ेगा। जिस तरह से मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ना आए, ना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आए कि हमें इस चैनल से पैसा ज़्यादा है उससे ज़्यादा, बस ये है कि जो हम लोग उनको सिखा रहे हैं, जो डिग्री दे रहे हैं उसका वो मान रखें और वो काम करें जो उनका दिल गवाही देता है। ये नहीं कि आसपास की हरा हवा या सराउंडिंग जैसी है, उस तरह नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत उम्मीदें करते हैं अपने बच्चों से।